जिस वक्त मैं मौजूद हूँ केएमसी के मरकज़ी ऑफिस कराची में, यहाँ पर पीपल्स यूनियन का एक ख़ास इजलास हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का विजन है रोटी कपड़ा और मकान और खिदमत। आइए देखते हैं नई काबीना यूनियन क्या खिदमत कर रही है और इनके क्या इरादे हैं। पीपल्स यूनिटी ऑफ केएमसी जो है एक केएमसी की पहली बुनियादी जो है यूनियन रजिस्टर्ड है और ये काफ़ी अरसे से काम करते हुए आ रही है, लेकिन बीच में कराची शहर के हालात को देखकर जो ताकत की बुनियाद पर जो है लोगों से वोट लेकर, लेकिन उस वक्त भी हमारे लोग चल रहे थे पीपल्स यूनिटी को लेकर, लेकिन इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा उम्मीद है कि ये जो हमारी नई बॉडी बनी है, नई तश्कील दी है और ये सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन हैं। आज हमारे प्रोग्राम था कि हमने सरपरस्त आला का हक़ अदा किया, हमने तमाम जो यूनियन हमारे थे हम उन बॉडी को हमने डिसॉल्व कर दिया, अब नया बॉडी हमने बनाया और इंशाल्लाह हम तवक्को रखते हैं सारे जियाले इस तरह काम करेंगे कि इंशाल्लाह बिलावल की भी लाज रखेगी, हमारी मोहतरमा शहीद भुट्टो की भी लाज रखेगी। पिछला पीरियड दो कोरोना का गया, दो साल वाला बहुत इशू जो है होट हुए हैं, तो उसमें कोशिश ये है कि रोज़गार भी जो लोगों का है उनको मिले और जो मामलात हैं, जो लीगल मामलात हैं लोगों के, जायज़ मामलात हैं जो इनका कानूनी और आइनी हक है, वो उनको मिलना चाहिए, उसके लिए इंशाल्लाह हमें किसी हद तक भी जाना पड़ा हम जाएंगे। जी पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखती है, काम करेंगे तो फिर आप सीट पर बैठेंगे। नई काबीना अच्छे काम करेगी, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, मजदूर मुतमईन नज़र आ रहे हैं। सरफराज अली, वीना सेज़ जी, कराची।